हेलो गाइस, मैं मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ आईसी की चेकिंग पार्ट वन। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ आईसी की चेकिंग पार्ट वन। तो आईसी को सबको भी पता, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। सर, ये आपने इंटीग्रेटेड सर्किट बोला, इसका मतलब क्या है? ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सर्किट जो आईसी जो है, आईसी के अंदर एक सर्किट होता है, और जो हम बाहर से हम सर्किट लगाते हैं वो उसका सपोर्ट होता है। क्योंकि आजकल जो आपको कार्ड दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे आ गए हैं, मोहल्लों में आ गए हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक आईसी के अंदर पांच पांच स्टेजें, छह छह स्टेजें होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसटर होता है, रिस्टेंस होती है, डैड होता है, और जीनर डैड होता है। जितने भी हमारे कंप्यूटर सर्किट में लगते हैं वो उसमें सब होते हैं, ठीक है। उसके से एक पूरा एक सर्किट बनाया जाता है। हाँ जी, सर, ये आईसी किस मटेरियल का बना होता है? ये जो ऊपर जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये सबके जो है ये बैकलाइट के बने हुए हैं। हाँ जी, सर, ये कितने टाइप के होते हैं आईसी? आईसी आमतौर पे तो तीन तरह के होते हैं। तो आजकल तीसरी तरह का जो है आजकल आमतौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये DIL का मतलब होता है डबल इन लाइन, आमने सामने। SIL का मतलब है सिंगल इन लाइन, ऐसे सिंगल इन लाइन है ये, आपको ऐसे गिनोगे आप। 12 पिन का भी हो सकता है ये, आपका 10 पिन का भी हो सकता है, ये अलग अलग पिनों के हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ये 4 4 IE लिखा ना, FIL लिखा है, ये 4 इन लाइन है, यानी चारों तरफ, ठीक है। राइट सर। हाँ जी, सर, ये हमें बता दीजिए, ये पिन कैसे चेक करते हैं, इसका कहाँ से स्टार्ट होगा आईसी? ये आईसी का मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें आईसी में कट लगा हुआ है, आपको मैं हटा देता हूँ। ये ऐसे अभी एक आईसी है, पकड़ लो आप, इसमें ऊपर देखो ये कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ ना ये, तो ये साथ में इसमें स्पॉट है, ठीक है। तो अगर ऊपर से आप गिनोगे तो आप यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये आपके जहाँ 21 होगा उसके क्लॉक वाइज गिन के, ऐसे आपके 42 होगा उसके सामने, आमने सामने, चाहे कितने पिन का आईसी क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर आप फ्रंट से गिनेंगे तो, अब कईयों में अब क्या है कि इस वाले आई में, आईसी में क्या है कि इसमें कट ही नहीं है, वो आपका स्पॉट नहीं है। तो स्पॉट नहीं है तो इसमें आपका कट जरूर होगा, ये देखो ये कट है। और कईयों में कट भी नहीं होता, मैं आपको ये भी बता दूं। तो पिन जो आईसी का नंबर होता है उसके हिसाब से हम इसको गिन लेते हैं। तो ये आपका एक नंबर होगा ये वाला, और हमेशा सर नीचे वाला होता है एक हाँ नंबर। जी हाँ, ऊपर से अगर देखेंगे तो, पर अगर नीचे से उठा करके देखेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो ये आपका जो है एंड वाला, जो इसका चाहे 42 पिन का है चाहे जितने पिन का भी है, वो यहाँ पे होगा। हाँ जी, तो आपको मैं अब इसको वैसे चेक करना बता देता हूँ कि इसको आईसी को अगर हम गिनते कैसे हैं, अगर आप गिना चाहो तो आप, तो ऐसे करके गिनते हैं। ये जो कट है जो आपका, ये जो कट है ना ये वाला, ये कट दिख रहा है आपको ये वाला, तो इस कट को आप अंगूठे पे रखेंगे ऐसे। ये हर आईसी का चेक करने का तरीका है, अगर आपको कुछ तनाव पता चले तो। ये एक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो 21, और यहाँ पे आगे 21 22 23 24 25 जितने भी आगे आपका, ये आपका जो है आपका 42 पिन का आईसी है। तो आपने ऐसे क्लॉकवाइज गिनना है, ये नहीं है कि भी आपने एक गिना तो इसके सामने ये आपका 21 है तो ये 22 हो गया, ठीक है। तो ये आपने, ये देखो अंगूठे से मैंने ऐसे लगाया था, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जितने भी आईसी हैं, चाहे ये आपका आईसी है, चाहे ये आईसी है, चाहे ये वाला आईसी है, डबल इन लाइन जो है, इनका सबका गिनने का तरीका ये है। ये भी डबल इन लाइन है, ये चिप लेवल प्लेयर में आ रहा है ये, अब ठीक है जी। सर, ये डबल इन लाइन वाले, ये इसमें सिंगल इन लाइन में हम कैसे चेक करते हैं? सिंगल इन लाइन, ये वाला जो सिंगल इन लाइन है, इसमें इसमें तो बड़ा आसान है चेक करना। इसमें तो एक निशानी ये होती है कि इसके ऊपर ना, ये देखो आप अगर ध्यान से देखें, इस पे कट है एक, ठीक है। और कहीं में कट ना भी हो तो इसमें क्या होगा कि आपका ये सीधा लिखा होगा BA, जो इसका नंबर है 54125, ठीक है, ये आईसी का नंबर है। तो आईसी का नंबर हो तो यहाँ से इसमें स्पॉट भी नहीं दिया होगा, कहीं में दिया होता है तो सीधा गिनोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पिन का आईसी है, ठीक है। तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे गिन लिया ये वाले को, ठीक है। तो ये भी आपका 12 पिन का आईसी है, 13 गलत लिखा हुआ है, ये 12 12 पिन का आईसी होता, 13 पिन का नहीं आईसी होता। तो ये
जो है आपका 12 पिन का आईसी है, ये इसमें क्या है एक अलग से है, इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें भी है इसका आईसी का नंबर लिखा हुआ है सीधा, इसमें बिंदी स्पॉट दिया हुआ है, ये देखो इसमें देखो स्पॉट दिया हुआ है, यस सर, ये स्पॉट दिया हुआ है ना। यस सर। तो ये पहले तो आप गिन लो कितने आईसी पिन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 13 पिन का भी आया है, 13 पिन का भी आईसी आ रहा है। तो ये 13 पिन का है क्या, आमतौर पर 12 का आता है, 12 का आता है, 9 का आता है, ये 13 पिन का है। तो ये जो आपका जो है ये जो कूलिंग टैप है ये वाला, सर ये कूलिंग टैप क्या चीज है, आप कूलिंग टैप बोल रहे हो? कूलिंग टैप जो है इसके पीछे हीट सिंक लग जाता है, इसे टाइट कर देते हैं, इसके पीछे पेस्ट लगाते हैं हम। ये कूलिंग टैप क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो ये गर्म होता है, ये पावर आईसी है, ये इससे क्या होता है कि ये आईसी गर्म नहीं होता, ठंडा करने के लिए होता है। यस सर। हाँ जी, तो ये आपका कूलिंग टैप के ये लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। ये क्या चीज है वैसे, ये जो ये वाला इसमें ऊपर दिया हुआ है इस आईसी पे? मैं पहले आपको कूलिंग टैप का इसका भी बता देता हूँ, क्योंकि ये भी डबल इन लाइन में था। ये कूलिंग टैप यहाँ पे है, इसमें भी कूलिंग टैप है ये वाला, ये भी पावर आईसी है, ये डबल इन लाइन में है, ये सिंगल इन लाइन में है, ये डबल इन लाइन में है। राइट सर। तो गिनने की तरीकी वो गिनती का तरीका वही है, इसमें इसमें स्पॉट नहीं है पर इसमें सीधा नंबर है, ठीक है। ये आपका एक नंबर है ये वाला, यहाँ से गिनेंगे तो ये एक नंबर, 1 2 3 4 5 6, अच्छा इसमें तो कट है, सॉरी ये कट है। तो ये आपका 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पिन का है। तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो इसको ऐसे गिनना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसी सर उल्टा करने पे हमें क्लॉकवाइज गिनना है इसको। हाँ जी, हाँ जी, राइट सर। और जब ऐसे है तो आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज गिनना है, जब जब सीधी है तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब आपने अगर इसको ऐसे करके गिनोगे तो क्लॉकवाइज गिनोगे, पर अगर ऐसे स्पॉट है जहाँ लिखा हुआ है तो आप ऐसे गिनोगे ना, ऐसे, राइट सर, एंटी क्लॉकवाइज, राइट सर। तो जहाँ पे एक नंबर होगा उसके सामने 42 नंबर होगा, राइट सर। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये वाला जो आईसी है ये अलग सा है, ये क्या चीज है? ये आईसी नहीं है, मैं पहले आपको बताता हूँ, ये आईसी नहीं है, ये आईसी का बेस है, ठीक है, राइट सर। आईसी का बेस है, इसमें भी कट होता है, मैं आपको कट का निशान दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें कट का निशान है, ये राइट सर, ये कट का निशान है। ये अलग अलग साइजों का बेस है, ये इसी तरह से गिनती होगा इसमें, जैसे अभी आईसी भी अगर हमने हमने लगाना है ऊपर, तो इसका जितने पिन का आईसी चाहिए उसके ऊपर ये बेस आईसी ऊपर लग जाता है। राइट, इसे क्या होता है कि आईसी आप बदल के देख सकते हो, आपने आईसी आपको डी सोल्डर नहीं करना पड़ेगा, ये सोल्डर हो जाएगा, इसके बाद ऊपर से बेस लगा देते हैं। यस सर। बेस के ऊपर ही आईसी लगा देते हैं, तो बेस तो परमानेंटली फिक्स रहता है, आप निकाल लोगे फिर डाल लोगे, पर इसमें ये होगा आईसी में इसके ना कोई रस्ट नहीं आया होना चाहिए, राइट सर, तो फिर काम नहीं करता, राइट सर। ये आईसी का बेस है। अच्छा आपका ये सर, ये 4 इन लाइन का बता दीजिए। 4 इन लाइन का जो है ये इसका जो है ये थोड़ा ब्रीक आईसी है, इसमें यहाँ पे ये देखो यहाँ स्पॉट दिया हुआ है, ये वाला, ये बिल्कुल पास से देखोगे ये स्पॉट है, ये बिंदी। यस सर। तो ये एक है, yes, तो अगर काफी लंबा पिन आया तो ये यहाँ से लेके 32 पिन तक का, यहाँ पे एक तरफ है तो 32 इधर है 32 इधर है 32 इधर है, ये 4 इन लाइन है ना चारों तरफ। yes, इसको चुकोर चुकोर आईसी भी कह देते हैं, ठीक है, चारों कोनों में। yes, सर, ये यूज कहाँ पे होता है सर? ये आपके मोबाइल में तो आम यूज होता है, मोबाइल में आपके ये डिश के जो कार्ड है उसमें, आजकल कलर टीवी में, एलसीडी में, एलईडी में, हर जगह जिसमें SMD टेक्नोलॉजी है उसमें ये यूज हो रहा है। yes, ये आईसी ये भी यूज हो रहे हैं, ये भी आईसी यूज हो रहे हैं। yes, ये भी आईसी है, ये भी आपका आईसी जो है ये आपका चिप लेवल की रिपेयर में हो रहा है यूज, ये वाला ये देखो। yes, ये ऊपर से आईसी फिट होता है, ये रिमोट में भी लगा होता है, आपने कई जगह देखा होगा। तो yes, जैसे जैसे न्यू कमर है उनको आपको मैं बता रहा हूँ कि ये नॉलेज के लिए कि भी ऐसे ऐसे आईसी आते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, ये आईसी को हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं? नहीं, मल्टीमीटर से नहीं कर सकते। तो सर जैसे ऐसे शॉर्ट होता है या ओपन होता है या ओवरहीट होता है तो हम उसे चेक कैसे करेंगे सर? मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीमीटर से चेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपने ये सवाल पूछा भी मेरे से बाद में कि भी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या, कि ये सर्किट के अंदर सर्किट है। तो अगर हम इसको कंटिन्यूटी पॉइंट में जैसे ट्रांसफर चेक करते थे, डायरेक्ट चेक करते हैं, रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग उसमें डायोड में होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक पिन के हिसाब से सर्किट कितना बना होगा किसी को पता नहीं, किसी में 50 रेजिस्टेंस होती हैं, किसी में 60 होती हैं, पूरा सर्किट होता है बना हुआ।
एज पर नंबर, नंबर के हिसाब से सर, ठीक है। उसके बाद भी हम सपोर्टर सपोर्ट के लिए बाद में उसके सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट अंदर इनसाइड भी है, इंटरनली भी है, इंटरनली भी है, यानी कि अंदर भी है और बाहर भी है, राइट सर। तो तभी आईसी चलता है, ऑपरेट होता है। तो हम इसको सिर्फ वोल्टेज आईसी लगाओ, फिटेड हो, चलता हो, तब हम इसको पता कर सकते हैं भी आईसी हम कैसे चेक करेंगे। हाँ जी सर, इसका इनपुट और आउटपुट कैसे चेक करेंगे? इनपुट आउटपुट उसको कहते हैं, इनपुट यानी कि जहाँ सप्लाई हम दे रहे हैं, और आउटपुट यानी यहाँ से सिग्नल इसका बाहर आ रहा है, ठीक है। वो भी आपका आईसी फिटेड हो तो उसमें आप पता कर सकते हैं, राइट सर, ठीक है। सर प्रैक्टिकली हमें बता दीजिए। वो प्रैक्टिकली तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब प्रैक्टिकली आईसी बीच में डाला हो तो उसमें बता सकते हैं आपको कि आईसी कैसे चेक होता है। आईसी शॉर्ट का भी बता दूंगा आपको मैं, ओपन का भी बता दूंगा, राइट सर। तो क्योंकि आईसी अगर आप बाजार से नया भी खरीद के लाएंगे, अगर आप कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करेंगे तो वो बल्कि आपका आईसी डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि वो मल्टीमीटर में एनालॉग में सप्लाई हमें उसका दे देते हैं उल्टा। आईसी जो है सप्लाई में ही चेक हो सकता है, हम सप्लाई में चेक करते हैं। सर ये सारे आईसी का चेक करने का तरीका एक ही होता है? लगभग एक ही जैसा होता है, कुछ आईसी में सप्लाई अलग अलग दी जाती हैं। जैसे हमारा ये प्रोसेसिंग आईसी है, उसमें क्या होता है कि भी मेन आईसी पिन एक अलग होती है, क्योंकि जो जितने बड़े पिन के होते हैं, 42 पिन का होता है, 54 का पिन का होता है, ये जो है 5 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेटेड होता है। जितने छोटे आईसी हैं वो आपके 12 पिन 12 वोल्ट से सप्लाई से काम करता है, कोई 32 से 24 से भी करता है, ठीक है। तो उस करके उसमें अलग अलग सप्लाई हो सकती हैं, 2-3 सप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि उसकी स्टेजें अलग अलग हैं। जैसे कलर टीवी में अलग अलग स्टेजें होती हैं, तो कलर उसकी अलग अलग स्टेज में सब स्टेजें होती हैं, तो सब स्टेज की अलग सप्लाई हो सकती है। 78.5 के द्वारा 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है आईसी को मेंटेन रखने के लिए। हाँ जी सर, तो मैंने आपको आईसी की चेकिंग बता दी है पार्ट वन में आपको, कि कैसे पिन डिटेक्ट करते हैं, और अलग अलग आईसी के बारे में बता दिया आपको। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आईसी लगे हुए पे हम कैसे इसकी तो आईसी को चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि आईसी शॉर्ट है, ओपन है, वैरी है, लीकी है। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दीजिए, और मुझे बताओ भी आपको कमेंट भी दीजिए कि अगर ये आपको आपको पसंद आ रहा है वीडियो कि नहीं आ रहा। धन्यवाद।